इस ट्रॉली में 200 रुपये फालतू में खर्च करने के बाद हम लोग बैठ गए अपनी दूसरी ट्रेन में, जो थी भुवनेश्वर के लिए। हम लोग की ट्रेन आधे घंटे में ही थी, मतलब जैसे हम पहुंचे आधे घंटे में ट्रेन थी। तो उसके बाद जैसे हम अंदर आए 4 बजे के करीब हमें हमारे स्नैक्स मिल गए। खाली गाजर है सैंडविच के नाम पर थप्पा। और सुबह जल्दी उठ के मेरे को नींद आ रही थी, तो मैं ऊपर चढ़ गई अपनी सीट पर और बैठ के वहाँ पर के ड्रामा देखने लगी। और फिर जब मैं उठी, फिर मुझे मम्मी ने नीचे बुला लिया खाने के लिए। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, मैं 5-10 मिनट में आती हूँ। तो मैं फिर नीचे डिनर करने चली गई। डिनर में मैंने पहले सबसे पहले पुलाव खाया जो मम्मी घर से लेकर आई थी, एंड देन उसके बाद ट्रेन का खाना खाया। मुझे पुलाव ज़्यादा पसंद आया, ट्रेन का खाना भी सही था, एटलीस्ट हैदराबाद वाली ट्रेन से तो कई गुना अच्छा था। देन उसके बाद मैंने आइसक्रीम खाई, एज यूजुअल आइसक्रीम तो मिलती ही है, तो मैंने और पापा ने आइसक्रीम खाई, थोड़ी ज़्यादा मीठी थी पर चलेगा। उसके बाद मैंने अपनी पोनी जल्दी से बना ली और फिर मैं सोने लगी। एक्चुअली सोई नहीं थी, मैं बैठ के मूवी देख रही थी, बट हाँ बेड पे चली गई थी। एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। इनमें से मैं ब्रेड बटर ही खाती हूँ, क्योंकि मेरे को और कुछ ट्रेन में खाना पसंद नहीं, तो इसलिए मैंने ब्रेड बटर खाया। एंड देन फिर थोड़ी अपनी पढ़ाई बैठ के कर रही है। एंड देन उसके बाद मिष्टी दही खाई, मेरे को बहुत मन कर रहा था मिष्टी दही खाने का और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और फिर वापस थोड़ा बहुत पापा के साथ व्यू देखने के बाद थोड़ी देर में लंच आ गया। लंच में दाल, पनीर, चावल, रोटी, अचार, उसके बाद आइसक्रीम भी था, तो बहुत मज़ा आया। इस ट्रिप में मैं कहूँ ना, मैंने आइसक्रीम भर पेट खाई है, मतलब इतनी आइसक्रीम मतलब मैं कभी नहीं खाई हूँ इतनी मैंने इस ट्रिप में आइसक्रीम खाई है। और ट्रेन में आइसक्रीम तो आइसक्रीम का ही मज़ा होता है। देन फिर स्नैक्स भी आ गए, तो हमने स्नैक्स खाए, अगेन सैंडविच आया, तो मैंने हम सब तीनों के सैंडविच खा लिए। एंड देन उसके बाद फाइनली 5 बजे के करीब हम भुवनेश्वर पहुँच गए। मेरे कजिन्स मेरे को हमारे घर के बाहर ही मिल गए थे, वो वहाँ पे गोलगप्पे खा रहे थे, तो मैं वहीं पर उनसे मिल चुकी थी। वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या पागलों वाली हरकतें करती है, मुझे पुतली दीदी क्यों बना रहा है? बनाया मुझे।